भाई एकदम से आग लग गई गाइस यार इसके अंदर। तो देखो यार गाइस, जैसा मैंने वादा किया था, हम लोगों ने इसे और भी खतरनाक बना दिया। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा तो पहले जाओ पार्ट वन देखो। और किस्मत देखो यार, ऊपर बादल हो रखे हैं और ये बादलों में तो काम नहीं करती, ये काम करती है सूरज की रोशनी में। और हमने इसके अंदर कांच नहीं लगाया बल्कि पंखे के कंडीशनर का पॉलीथीन लगाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये काम करती है। और देखो भाई, सूरज फिर से निकल आया है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम करेगी या फिर नहीं। और गाइस यार, इसे चिपकाने में मुझे पूरे 2 घंटे का टाइम लग गया है। देखो कितनी मुश्किल आई होगी। तो प्लीज़ यार, आप सबसे बस वीडियो बनाने से देखने से पहले इतने ही इच्छा है कि बस 1000 लाइक इस वीडियो पर पूरे कर देना यार। भाई अब 2-3 घंटे का टाइम लग गया और फिर मैं अकेला हूँ और आप हो। तो देखो ये सब कुछ मैंने अकेले किया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1000 लाइक इस वीडियो पर। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपके लिए कर रहे हैं जो। तो प्लीज़ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फाइनली सूरज आ चुका है और ये देखो कितनी तेज चमक भी रही है। मैं इस फोकस चेक कर लेता हूँ पहले इसका। ओ गाइस यार, सच में ये काम करने वाली है। देखो गाइस, इसका फोकस यहाँ कितना तेज पड़ रहा है गाइस, मेरा हाथ जल जाएगा ऐसे। ओ भाई, ये सच में काम कर रही है। ये देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस है कि मैं ज़्यादा देर अपना हाथ भी यहाँ पर नहीं रख सकता। चलो अब इसमें एक अखबार को जला कर देखते हैं। भाई एकदम से आग लग गई गाइस यार इसके अंदर। देखा आपने भाई, किधर गया, आग लग गई यार इसके अंदर। तो फाइनली हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, यानी कि ये चीज़ सच में खतरनाक हो सकती है। अगर इसे सही में काम नहीं लिया जाए तो ये कुछ भी कर सकती है। तो गाइस यार, देखा आपने सूरज की रोशनी कितनी खतरनाक होती है। तो भाई यार प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पता है ना, 1000 प्लस लाइक चाहिए गाइस। और देखो यार, 2 घंटे की मेहनत और 2 मिनट की वीडियो। अब देखो, मैंने अब 2 दिन मेहनत की और आपको 2 मिनट में उसका मज़ा आया। तो प्लीज़ यार, हमें भी मज़ा दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कर देना। हम मिलते हैं ऐसी डेंजरस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।